आसक्त पुरुष को संसार का दुख सुख असर करता है, असंसक्त को संसार का दुख सुख भासता है। एक होता है भासना, दूसरा होता है होना। जैसे रस्सी में सांप भासता है और सचमुच में कहीं सांप होना है, तो होने में सत्यता है, भासने में खाली। तो जिनको सत्संग के द्वारा गुरु प्रसादी हजम हुई है, उनका चित्त अनासक्त हो जाता है। वो उनमें दुख आता दिखता है, सुख आता दिखता है, लेकिन वे उसमें मिलते नहीं, दुख सुख में डूबते नहीं। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, इस अज्ञान जनित बातों में वे घुल मिल नहीं जाते। ऐसे पुरुष अनासक्त हो जाते, उनको गुरु प्रसाद की प्राप्ति हो गई। और गुरु प्रसाद की प्राप्ति होने वाले को जैसे मोर का पंख हवा में हिलता है, ऐसे प्रारब्ध वेग से उसका कार्य कलाप सब होता है। सामान्य आदमी, मैं ये करूं तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, यहाँ जाऊं तो सुखी हो जाऊं, लेकिन वो महापुरुष का प्यारा सत शिष्य अपने घर में ही खुदाई है तो बाहर सिजदा कौन करे, अपने आत्मा को जान लेता है। गुरु प्रसाद से, जप से, सत्संग से, सेवा से वो इतना ऊंचा हो जाता है कि उसको परम पद की दूरी नहीं लगती। वास्तव में वो परम पद ऐसी कोई क्षण नहीं जो हमारे साथ न हो। अपना आत्मा तो सदा ही रहता है, ऐसे एक सेकंड नहीं है कि हम आत्मा परमात्मा से अलग हो जाए, एक सेकंड भी नहीं। मिनट की तो बात, घंटों की, दिनों की बात दूर रही, एक सेकंड। यह है कि नहीं, वह है कि नहीं, ये तो सोच सकते हैं, मैं हूं कि नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते। मैं से यह दिखेगा, मैं से वह दिखेगा, तो मैं का असली स्वरूप गुरु कृपा से जो जान लेता है, फिर वो अनासक्त पुरुष हो जाता है। तस्य तुलना के न जायते, उस मनुष्य देह में दिखने वाले चलते फिरते ब्रह्म को किससे तोलोगे। रागे रागवताम, रागियों में रागी जैसा दिखेगा, विद्वानों में विद्वान जैसा दिखेगा, कर्मियों में कर्म जैसा दिखेगा, लेकिन अंदर से उस आत्मपद में जो कत्यो रहे। कबीर जी को अनुभव हुआ था आत्म साक्षात्कार, कबीर जी ने कहा उठत बैठत ओई उठान, उठते बैठते हम अपने आत्मा में परमेश्वर में, उठत बैठत ओई उठान कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो ऐसे महापुरुष को शरीर से देखना, तुलना अथवा उसके प्रति कुछ भी दोषारोपण करना अपना पुण्य नाश हो जाता है, ये शांति भी भंग हो जाती है, बुद्धि भी नाश हो जाती है। और जो ऐसे महापुरुषों के प्रति आदर बुद्धि करता है, उनकी साधना भी बढ़ जाती है, सेवा भी बढ़ जाती है, प्रीति भी बढ़ जाती है, भक्ति भी बढ़ जाती है, और मति ऐसी ऊंची बढ़ जाती है कि बिना पढ़े लिखे शास्त्र और शास्त्रों का ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होता है। जैसे हम गुरु जी को देखते थे एकटक प्रीतिपूर्वक, गुरु जी की वाणी सुनते तो आत्मसात करते, गुरु जी के प्रति 19-20 किसी के बात में देखा तो उसका मुंह नहीं देखते हम, तो फिर हमको शास्त्र पढ़ने जाना नहीं पड़ा, लंबी चौड़ी साधना नहीं करनी पड़ी।
गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। खूब शास्त्र पढ़े, खूब नियम व्रत करे, लेकिन गुरु से गद्दारी करे तो उसकी मति मारी जाएगी। सर्व कर्म विफल आस्यात, उसके सारे कर्म विफल हो जाएंगे। अशबरी भीलन वफादारी से सेवा करती थी, उसके सारे कर्म सफल हो गए। मीरा रहीदास के प्रति दृढ़ भक्ति वाली थी। विक्रम राणा मीरा पर दोषारोपण करता था, सीआईडी वालों ने मीरा पर दोषारोपण किया। भक्ति के मार्ग में कोई भी चलते हैं तो उन पर दोषारोपण हो ही जाता है। मीरा पर दोषारोपण हुआ कि अकबर के साथ मीरा का गलत रास्ता है। मीरा महिला थी तो पुरुष के तरफ बोल दिया, कोई पुरुष होगा तो बोलेंगे स्त्री के तरफ, तो ऐसा दोषारोपण मीरा पर चला। राज्य पूरा खिलाफ रहा, विक्रम राणा खिलाफ जिसका राज्य, राजा खिलाफ, तो प्रजा के स्कूल के बच्चे बच्चियों में भी मीरा की निंदा होने लगी। मीरा का अकबर के साथ गलत रिश्ता है, उसका जेठ बोल रहा है, सीआईडी विभाग वाले बोल रहे हैं, और मीरा के गले में जो मोतियों की माला है वो अकबर दे के गया था, और बात तो सच्ची थी। अकबर आया था तानसेन के साथ, और मीरा के सत्संग में वैष्णव वेश भक्तों का वेश धारण करके, और मीरा के सत्संग में बड़ी शांति मिलती है। महापुरुष का महापुरुषत्व है कि शांति मिले और भगवान में प्रीति और भगवान की बात। अभी पढ़ा उस बच्चे ने, खाली भगवान का नाम नहीं लिया तो टोक दिया। भगवान की जहाँ महत्ता है, भगवान का जहाँ ज्ञान है, भगवान की जहाँ शांति, भगवत प्रीति, ऐसा संतों का सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता। एक तो 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म मिलना कठिन, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और उसमें भी महापुरुष का संपर्क अत्यंत दुर्लभ। मनुष्य जन्म मिलना, फिर उसमें श्रद्धालु होना, और श्रद्धालु होकर भी वैदिक ज्ञान, गीता भागवत रामायण योग वशिष्ठ, ऐसे वैदिक ज्ञान में श्रद्धालु होना ही और ऊंची बात है। और फिर वैदिक ज्ञान में परम पद को पाया हुआ महापुरुष का दर्शन होना और ऊंची बात, और उस महापुरुष को गुरु रूप में पा लेना और ऊंची बात, और उस गुरु रूप में पाकर अश्रद्धालु के अथवा निंदक के चक्कर में न आना, ये परम ऊंची बात है। और वो मेरे को भगवान की दया से प्राप्त हुई, मेरा काम बन गया। जिसने मेरे को पूरी हलवा खिलाया, बड़ा आदर किया, लेकिन गुरु जी के प्रति जरा सा चेहरे पर शिकन देखी, मैंने तो उसका मुंह नहीं देखा। अगर मैं उसका मुंह देखता, उसकी बातें सुनता, तो मैं अभी यहाँ नहीं होता, कोई और तपस्या वपस्या में झंझट में पड़ा होता। अभी भगवान नहीं मिलते, भगवान में और हमारे में खूब दूरी रहती। जिसने अपने गुरुदेव में भगवान नहीं देखा तो दुनिया में भगवान क्या देखेगा, अपने में भगवान क्या देखेगा। लोग बोलने को तो बोल देते, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै से गुरुवे नमः। लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप गुरु में ब्रह्म भाव स्थित हो जाए, ब्रह्म बुद्धि स्थित हो जाए, तो फिर गुरु के हृदय में अपना ब्रह्म अनुभव छलकता है। अब वो तो कैसे छलकता और कैसे होता है, ये बात करने में फिर हम फिर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। गुरु के साथ जो श्रद्धा भक्ति वाला शिष्य साधक का बातचीत और संवाद होता है, वो याद करो तो मजा आता है। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, और लीलाशाह बापू जी के साथ भीख मांग के रहना भी अच्छा है। एक शाम को गुरु जी सुबह शाम
नैनीताल के जंगल में जब कुटिया थी वहाँ रहते थे तो हम भी साथ में कुटिया में रहते थे। बापू जी घूमने जाते मेरे को भी ले जाते साथ में। बता दूं क्या है? मेरे गुरुजी का संस्मरण करता हूं नहीं तो मेरा मन खिल जाता है। नैनीताल में ऑब्जर्वेटरी है, ग्रह नक्षत्रों का चित्र लेती है वैद्यशाला। जिसने देखा है नैनीताल या सुना है, देखा है वो हाथ ऊपर कर, ऑब्जर्वेटरी जरूर देखा होगा है ना, हनुमानगढ़ी के पास। तो ऑब्जर्वेटरी हनुमान के गढ़ी के बीच थोड़ा पहाड़ी में अपना गुरुजी का कुटिया थी। तो शाम को अब वहाँ तो पहाड़ियों में तो ठंडक में तो 4 बजे ही शाम हो गई, 4 बजे घूमने निकल पड़ो 4:30। तो हम घूमने निकले गुरुजी के चरणों में पीछे पीछे। तो कुछ लोग नैनीताल घूमने आए थे, जो लोग दो परिवार थे और भी कुछ लोग होंगे, 8-10 लोग थे कुल मिला के। वो ऑब्जर्वेटरी जाते जाते पगडंडी कहीं भटक गए थे तो जंगल में घूम। तो हमारे गुरुजी तो जरा कच्छा पहने हुए थे, हाँ भाई ऐसा हमारे कपड़े भी ऐसे ही फकड़ साई। तो उन्होंने आवाज लगाया, ए कुली इधर आना, ए कुली इधर आ। हमारे गुरुजी चले तो हम भी गए साथ में। सुन रहे हो? बोले वो ऑब्जर्वेटरी दिखते है, कौन सा रास्ता है उधर पगडंडी हम भूल जाते हैं बच्चे बाल। तो हमारे साईं ने कहा चलो हजूर हम दिखा देते हैं। तो गुरुजी आगे, हाँ पगडंडी तो पगडंडी होती है, उनके पीछे पीछे सब लोग और हमें एकदम पीछे गार्ड का डब्बा बना दिया मैंने। इंजन तो बने गुरुदेव, हाँ बीच में सारी लाइन और हम एकदम आखिरी में। तो गुरु जी तो यूं यूं चलते गए। तो माइयां बोले हम उनको पता नहीं था कि सिंधी भाषा जानते बापू जी हैं दोनों से, वो सिंधी परिवार। अरे ये मुआ कैसा जल्दी जल्दी चलता बूढ़ा, बोले देखने में तो बुढ़ाए कितना तेज चलते। फिर मेरे से सहा नहीं गया, मैं क्या इनको पाप न लगे, ऐसा ब्रह्म स्वरूप निर्दोष नारायण, नारायण की छाती पे खेलने वाले ब्रह्म ज्ञानी पे ले ऐसा भक्ति है। तो फिर मैंने उनको बोला भाई आप तो सिंधी में ही बोला, आप सिंधी हैं? सिंधी में ही मैंने बोला। अरे हाँ तो तुम भी सिंधी है? मैं क्या हाँ सिंधी। तो फिर मैंने पूछा आपने परम पूज्य लीलाशाह प्रभु का नाम सुना है? अरे बोले वो तो बहुत बड़े संत हैं, वो कहीं नैनीताल में किधर रहते हैं जंगल में, हमने नाम सुना है दर्शन नहीं किया। हाँ वो दर्शन हुआ है तो भी अभी तक दर्शन नहीं किया। धीरे से हमने उनको बोला कि वो ही है साईं, अब मैं उनका सेवक नहीं। अरे के साईं 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 तो आप लीला शाह जी हैं? बोले हाँ लीला बोलते हैं इसको, शरीर को लीला बोलते हैं। अरे साईं ऑब्जर्वेटरी नहीं देखनी आपकी, कुटिया दिखाओ साईं, माफ करो क्या अगड़ बगड़ करे। तो साईं ने गाड़ी का ट्रैक बदला, पगडंडी यूं बदली तो फिर पहुंच गए कुटिया पे आश्रम। 2-5-10 मिनट सत्संग वत्संग सुने, घूम के फिर सत्संग होता ही था, सुना शाम का सब। वो बोले अच्छा हुआ कि हम भटक गए जंगल में ऑब्जर्वेटरी का, तो अगर रास्ता मिलता तो हम ऐसा मौके से कैसे गदगद हो गए। वो जबलपुर के लोग थे,
ऐसे ही घाट वाले बाबा वो भी बड़ी ऊंची स्थिति के धनी थे। जो भगवान कृष्ण अपने को आत्म रूप से जानते थे वही घाट वाले बाबा अपने को जानते थे। जहाँ भगवान शिव की स्थिति है वही ब्रह्मज्ञानी की स्थिति होती है। जैसे ब्रह्मज्ञानी शिव जी अपने विग्रह को मैं नहीं मानते, अपनी असलियत को मैं मानते जानते। भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप को मैं जानते। असली स्वरूप अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है, वो सामान्य आदमी समझ भी नहीं सकता, तो अंतरात्मा की यात्रा वालों का अनुभव होता है। तो घाट वाले बाबा भी ऐसे थे। हमारे गुरुजी और घाट वाले बाबा का मुलाकात हुआ तो दोनों मेरे गुरुदेव और घाट वाले दोनों परस्पर सम ऊंचाई। गुरुजी का शरीर शांत हो गया तो फिर मैंने उनसे दोस्ती की। गुरु तो एक होता है, दूसरा गुरु कैसे बनाऊंगा। पति चला गया तो पतिव्रता कोई दूसरा पति करेगी क्या। ऐसे ही सदगुरु का शरीर नहीं है फिर भी सदगुरु तो तत्व रूप में साथ में थे, तो घाट वाले बाबा को मैंने मित्र बना लिया। तो वो भी ऐसे जंगल में जाए बैठे बिल्केश्वर महादेव की तरफ उधर जंगल में, ओ बाबा बाबा बोले कहा है कि हमारी जरा भैंस जंगल में चली गई है, खो गई है, मिले तो जरा हाँक देना। कहा भगवान की छाती पे खेलने वाले महापुरुष, और कहा आज्ञे लोग हैं बाबा, जरा हमारी भैंस उधर मिले तो जरा हाँक के ले आ, आप तो उधर बैठ के आओगे नहीं तो हाँकते आ जाए। किसी का घोड़ा चरते चरते आगे निकल गया तो मेरे को बताते कि मेरे को भी ऐसा बोलते, तो मैं क्या फिर क्या करते। अरे बोले फिर देखता हूँ उधर उधर टहलने जाता हूँ, दिखता है तो जरा हाँक देते, अपना क्या बिगड़ता है। धन्य तैसे तुलना के न जाए थे, ऐसे निर्दोष निरहंकार नारायण रूप शिव रूप राम रूप कृष्ण रूप सभी रूप और अरूप ब्रह्मज्ञानी को कौन पहचाने। घाट वाले बाबा को बोलते हैं कि बाबा जरा वो देखना हमारी भैंस हो तो हाँक के ले आना, बाबा खूब घोड़ा खो गया जरा मिले तो जरा इधर कर लेना, वो बाबा कर लेते। ऐसे एक दूसरे महात्मा को मैंने देखा नहीं था, ये दो नर रत्न तो क्या, ये दो भगवान तो मैंने देखे थे, लीलाशाह भगवान घाट वाले भगवान को तो मैंने अच्छी तरह से देखा था, उनके शरीर का भी स्पर्श किया, उनके हाथ से खाया भी खिलाया भी। तो एक बार दिशा में हम रहते थे उन समय गुरु जी का वहाँ आना हुआ, दिशा से 27-28 किलोमीटर दूर एक गांव है धानेरा, तो उस भक्त का कोई मनोकामना पूरी हुई थी तो उसने कई बीघा जमीन लेकर और उसमें बापूजी का एक मंदिर खड़ा किया था, तो उस मंदिर का ओपनिंग था। तो बापूजी वहां आए तो फिर मैं वहां पहुंचा, तो मेरे मन में होता था कि मेरे को मैं हूँ तो आत्मा, मैं जो जैसा भी साक्षात्कार जो है वो तो ठीक है, लेकिन साई को इतने लोग मानते और मेरे को तो कोई पूछता नहीं। साई के द्वारा इतने कार्य हो रहे हैं, अपने को सही अपना ध्यान किया अपना आनंद आया, दूसरे को दूसरे का भलाई कर रहे, तो जरा जैसे संशय हो जाता है थोड़ा सा। तो 4:30 बजे होंगे सुबह के, कभी गुरु जी तो 4:30-4 बजे उठ जाते, आसन वासन करते, फिर कोई सेवक पढ़ता, गुरु जी अपना अंदर सुनते। हमारा भी ऐसे ही होता है, सेवक सुबह पढ़ता है हम अंदर सुनते, रात को भी पढ़ता है योग वशिष्ठ ऐसा, हम सुनते सुनते फिर उसी में सो जाते। तो सुबह प्रभात वेला वो एक पढ़ रहा है, मैं और दूसरा उनका बापूजी का सेवक और दो तीन सुन रहे हैं,
मतलब गुरु जी भी सुन रहे हैं और चेले जी भी सुन रहे हैं, हर एक चेला पढ़ रहा है। जैसे ये पढ़ रहा है, आप हम सुन ही रहे, तो गुरु जी को क्या सूझा? मैंने बोला नहीं था गुरु जी को, बोले कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे को साक्षात्कार हो गया है तो ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। उठाया एक ग्रंथ वहां सुबह सुबह, मेरे को नहीं कहा कि तू बोलता है, बोले लोग बोलते हैं कि भाई साईं जी, साईं लीला शाह जी जो है वही आत्म रूप में मैं हूं, मेरी भी वही स्थिति है। लोगों को ऐसा संशय होता है। ये देखो भाई, फिर मेरे तरफ यूं तेरा युक्ति से देख के, फिर सबको दो चार जो बैठे थे, भाई देखो लीला शाह गीता सिर पे रखता है और मैं कसम खाता हूँ भाई, जो मैं हूँ वही तू है मेरे सामने हाथ करके। ऐसा वो कांटा खटाक से निकल गया, संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टूपे सो ओलिया, बेहद टूपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। तो कबीरा मन निर्मल भयो, संदेह रहित तो मन निर्मल हो गया, अपने आत्मा में स्थिति हो गई, संदेह रहित हो गए। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उस दिन से तो ऐसी मस्ती, फिर अब सोचता हूँ कि अगर पब्लिक फायदा लेती है तभी हम पक्के हुए, तो अभी तो देखेंगे गुरुजी आ जाएं तो गुरुजी को संशय होगा कि ये पक्के कि हम पक्के, क्योंकि गुरुजी के पास जितना माहौल जितने सत्संगी थे उससे सैकड़ों गुने मेरे ज़्यादा हो गए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे ज़्यादा शिष्य हो गए तो मैं बड़ा गुरु बन गया और मेरे गुरु जी छोटे गुरु हैं। गुरु गुरु होते हैं, अभी गुरुदेव आ जाए तो मैं क्या करूंगा, इधर बैठा रहूंगा? अरे दौड़ के चरणों में प्रणाम करूंगा। ऐसा भी हुआ था एक बार, हम प्रवचन कर रहे थे और एकाएक गुरु जी आ गए, मेरी नजर पड़े, वो कूदार दौड़ा, लोगों के चप्पल जूते बिछे थे, मैं तो वहां लेट गया। बोले क्या करता क्या? मैं तो वहां दिखता। तो उन महापुरुषों को शरीर से यूं देखे ना तो नहीं पहचान सकते। ए कुली इधर आओ, जरा रास्ता दिखा दो, और तेजी से चले तो बोले ये मुआ तो बड़ा तेज चलता बुड्ढा। अब जब पता चला तो तोबा तोबा करने लगे। तो अष्टावक्र संहिता में आता है, तस्य तुलना के न जायते। ऐसे महापुरुष की तुलना किससे करो? जैसे रैक्व मुनि बैलगाड़ी चलाते और ब्रह्म ज्ञान पाया, और कुछ खुजलाते रहते थे मेले मुटले कपड़े। हाँ, राजा को पता चला तो गया 700 अशर्फियाँ ले। अरे बोले चल कंगले, 700 अशर्फियों में ब्रह्म ज्ञान सुनने को आया, चल। कहाँ तो बैलगाड़ी का धंधा करे, 150 कमाए रोज, और 700 परियां। अरे बोले चल कंगले, कैसे पहचान? ऐसे एक भावनगर में संत थे, अहमदाबाद से 225 किलोमीटर है भावनगर, तो भावनगर से पहले चित्रासनी जगह, वहाँ एक होटल के पास बबुल के पेड़ के नीचे एक संत घूमते घामते आ, तो बैठ गए तो बैठ ही गए कई वर्षों से। हम जब जाते तो गाड़ी रोकते, वो बाबा को मिलते, प्रणाम करते, वो बात नहीं करते, लेकिन उनकी आँख ऐसी दृष्टि थी, हम समझ गए कि सबको बांप लेते और बोलते कुछ नहीं। बड़ी ऊंची स्थिति, कपड़ा जो जिसने पहरा दिया वो पहरे रहे, नाना भी नहीं धोना भी नहीं, कहीं जानना नहीं, वहीं बैठे। कोई अति कर देता यूं करें तो सामने वाला भाग। ऐसे एक मुसलमान फकीर भाई थे,
उड़ीसा में हम रहते थे तो एक काम साधना में कुछ सतपात्र साधक आ गया, थोड़ी उसकी मेरे प्रति श्रद्धा हो गई। मैं क्या अच्छा भले आते रहना। तो एक शाम को आए, सब लोग चले गए, वो साइड में खड़ा रहा। फिर थोड़ा सत्संग उसको सुना, ऐसे बात चलते चलते ध्यान में साधना में रात्रि के क्या पता कितने बज गए, 12 बज गए कि 2 बज गए भगवान जाने। वो जब जा रहा था तो रास्ते में एक होटल शंकर विलास, वो शंकर विलास का मालिक था शिवलाल अपना। शिवलाल काका तो जानते, हाथ ऊपर करो, अभी पुष्कर में। तो उसके होटल के सामने वो फुटपाथ पे कैसे भिखमंगे मेले मुटले बैठे रहते, ऐसा बैठी रहती थी वो मुसलमान भाई। वो टेकचंद नाम का व्यक्ति था, अभी 60 साल का हो गया होगा, मेरे से 8-10 साल छोटा। वो करियाने का धंधा था और जरा श्रद्धा भक्ति वाला था, कोई भी वचन कहूँ तो उसके हृदय में बहक जाता था, बड़ा आनंदित होता है। तो जब वो पात्र ले रहा है और उसको पच रहा है तो कहे चलो बाबा होने दो बेचारे को। फिर हमने कहा आप देरी हो गई, निकल जाओ, 12-1 बजा होगा शायद। तो वो वहाँ से निकला तो ये उसकी होटल शिवलाल की, और बीच में रास्ता और सामने फुटपाथ। वो फुटपाथ पे रात को 12-1 बजे इधर आ साले इधर आ, जो मेरे यहाँ से गया बाबा के यहाँ माल मार के जा रहा है, साले बीड़ी बीड़ी तो पीला। उसने बोला माता जी हम नहीं पीते। अरे बोले फकीर को लूट के जा रहा है माला माल के साले, एक बीड़ी भी नहीं रखता। अब हमारा कुटिया कहाँ रात को 1 बजे, और वो बाजार में होटल के सामने पड़ी कैसा। तो चित्त की उसकी ऊंचाई थी। वो दूसरे दिन सुबह मेरे पास आ गया कि साईं अपनी जो बातचीत हुई थी और जो मेरे तो मेरे को ऐसा ऐसा उसने सुना दिया। वो पागल जैसी बैठी, लेकिन वो शिवलाल के कम दुकान के सामने होटल के सामने वो बहुत थे। मैं क्या अब हम जाएंगे तो थोड़ा बहुत नाम प्रसिद्ध है गुरु जी का, तो आशाराम आया आशाराम भीड़ हो जाएगी। अब कैसे करें, उसको कैसे लाएं, क्या करें। अच्छा चलो देखते हैं। वो 1 घंटे के बाद भागता भागता आया, बोले साईं वो अपनी कुटिया के पास में उधर नीम के पेड़ के नीचे आके बैठ गई। मैं क्या तो भला हो गया, फिर तो हम चुपके से चले गए उसको लेके। तो एक ठीकरा रखती थी, किसी ने कुछ खाने को दे दिया उसी में डाला, वो भी खाए कुत्ते भी खाए, ऐसी अलमस्त जीवन में। मैं गया और उसने धड़ाक से कोड वर्ड में मेरे बात कह दी उसने, तो मैं जरा सुकड़ गया। तो उसने फिर चटाक से दूसरी बात करके मेरी सुकड़ान हटा दी। मैं क्या वाह फकीर वाह भाई। कोड वर्ड में कहा उसने कि बता दूं उसका कोड वर्ड, बोले साहेब है, मतलब पहुंचा हुआ है फकीर, ए साहेब है अजिन्नाद छोड़ के साहब इधर चुपचाप रहता है। तो मैं तो समझ गया, लेकिन मुझे डर लगा कि ये जिन्नाद छोड़ के तो कहीं दूसरे से इसका अर्थ लगा लेंगे तो अहमदाबाद पता चलेगा तो फिर आ जाएंगे रोने धोने वाले, मतलब परिवार छोड़ के यहाँ आके रह रहा है, किसी को पता नहीं है, ये जिन्नाद छोड़ के साहेब बन गया है। तो मैं थोड़ा सुकड़ गया। फिर उसने पलटी मारी, उल्टा मार, मैं साहेब का जिन्नाद हूँ, मैं क्या धन्य हो। कैसे उदार आत्मा, मुसलमान फकीर भाई थे, मेरा उसके प्रति भी सद्भाव प्रेम हो गया। कभी कभी हम जाते
साहेब आया है। वो मेरे से बड़ी उम्र की थी, मैं उस समय 28 साल का था, 27-28, वो उस समय 50 साल की होगी। तो साहेब वो देख के खूब हंसती, मैं भी हंसता, दूसरे लोग ऐसे तमाशा देखने वाले दो चार इकट्ठे हो जाते। थोड़ी देर बैठते वो नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी में, अब बड़ा आनंद आनंद। तो पहुंचे हुए महापुरुष की पहचान है कि उनके चरणों में श्रद्धा रख के बैठो तो शांति आनंद आए, ये बहुत ऊंची चीज है, ये बहुत ऊंचा प्रसाद है। उनको देखते देखते मन शांत होने लगे, उनकी बातें सुनकर, उनका विनोद भी अच्छा, उनकी डांट में भी बड़ा करुणा करता। अब है तो वो बिल्कुल गंदा दिखता था, ठीकरे में खाना, सिगरेट पीना, स्त्री होकर, साधु होकर, लेकिन जिसका मन उस ब्रह्म में लग गया उसके लिए कोई बाह्य लोकाचार का नियम लागू नहीं पड़ता, उस पर लोकाचार का नियम लागू नहीं पड़ता। तो अलग अलग ढंग के जहां 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 पहुंचे हुए पुरुष मिले, उनका स्वभाव, उनका आचरण, ऐसे हिमालय में एक ऐसे जीवन मुक्त पुरुष मिले, कोई अंदर जाने ही नहीं देता, उधर कोई जाता ही नहीं था, कोई जाए तो सुना दे, गंगोत्री के आगे चीड़वासा के और गंगोत्री के बीच नर हरि स्वामी उनका नाम था, उनको एक साधु संतों के दर्शन बताओ, बोले एक संत हैं बड़े ऊंचे, लेकिन जाओगे तो डांटेगा, भगा देंगे। क्या क्यों भगा देते हैं? बोले पूछते हैं कि जिंदा आया है कि मुर्दा है, तो कोई भी बोलेगा मैं हूँ या जिंदा हूँ, तो बस सुना देंगे और भगा देंगे। मैं क्या ठीक बात, मैं गया, है कौन है, जिंदा है कि मुर्दा है? मैंने कहा मुर्दों के पास मुर्दे ही आंदे, जिंदे का क्या काम है इधर। अरे आजा, आज ही मिला है, आजा आजा यार, आजा आजा यार, आजा। अपने पास बिठाया, अब फिर वो चर्चा किया, मुर्दा मतलब मरने वाले शरीर को मैं मानना, तो ये जिंदा है, मरने वाले से अलग अपनी मैं को जानना, ये तो मुर्दा है। तो मैंने कहा मुर्दों के पास मुर्दे आंदे, जिंदे का काम क्या है इधर। तो ऐसा, और मेरा अनुभव से मैं बोला ना, खाली भाषा होती तो वो भी सुना देते, मेरे को गुरु प्रसाद ही थी। आए खूब चला, खूब सत्संग, 2-3 घंटे कैसे बीत गए। ऐसे दूसरे एक रहते थे, एकदम लंगोटी भी नहीं पहनते, रामानंद स्वामी, रात को बक्से में लेट जाते थे, काठ के बक्से में, उनकी भी बड़ी ऊंची स्थिति थी। तो उनसे भी हम मिलने, दर्शन करने जाते थे। ऐसे संतों का सानिध्य तो आहा, अमोघस्य दुर्लभ है, अमोघस्य, संत महापुरुषों का सानिध्य दुर्लभ भी है, अमोघ है, अकाट्य फायदा है। राम सुखदास जी महाराज मिलते, वो अपने आश्रम में भी आए, अखंडानंद बाबा, दूसरे नारायण बापू थे, वो भी बहुत ऊंची स्थिति के धनी थे, ज्ञान योगी, उनसे भी हम मस्ती खूब करते थे। अभी शरीर शांत हुआ, 101 वर्ष की आयुष हुई, अभी शरीर शांत हुआ, 4-6 महीने हुए। ज्ञानी जल सिंह भी उनको भगवान मानते थे, MLA थे, उनकी कृपा से CM बने और फिर राष्ट्रपति बनने का भी उनकी कृपा का सहयोग था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी मत्था टेकने उधर गए थे, जब मत्था टेकने गए तो मैंने पूछा कि जल सिंह अब राष्ट्रपति बन के आए थे, आपसे मिले तो पहले में और अभी में क्या फर्क, हम गुफा में जब आज साथ में रहे तो हमने जैसे बनिया बनिया के पूछता है अपना,
वकील वकील से बातचीत करता है अपने क्लाइंट की, ऐसे ही हमने पूछा कि वो जेल सिंह का कैसा क्या, तो वो बताया नारायण बापू ने कैसा बोलते, जितने मेरे संत जन वो था सुहावंदा। तो जेल सिंह का दोस्त था वो भी मेरे को मानता था, नारायण बापू को भी मानता था, उसका बेटा कमिश्नर है अभी गुजरात में। तो मेरे को बोलता है कि एक दिन वो जेल सिंह बगीचे में टहल रहे थे और वही अपना पगड़ी में छुपी हुई कंगी निकाले रहे घूमते भी जा रहे हैं और अपने बालों को, तो मैं क्या तुसी की कर दे वो सिक्योरिटी आ रहे सारे ऑफिसर बंदे वेख दे सी, अरे भाई ये तो और संतों की कृपा है, मैं तो वही जेलू हूँ, जेलू जेलू बोलते थे घर में, मैं तो वही जेलू हूँ, ये संतों की कृपा है कि राष्ट्रपति आ गए लोग, मैं तो वही जेलू हूँ। मैं क्या संतों का संग कितना आदमी को सज्जन बनाए रखता है। यहाँ सरदार जेल सिंह थे राष्ट्रपति, और अमेरिका में उस समय राष्ट्रपति रेगन थे, हम गए थे उस समय अमेरिका, रेगन थे। रेगन ने जब राष्ट्रपति व्हाइट हाउस छोड़ा तो जैसे लड़की मायके से ससुराल जाती है पहली बार तो कैसे रोती हुई जाती, ऐसे रेगन राष्ट्रपति भवन खाली करते समय रोते रोते गया, और जेल सिंह ने राष्ट्रपति भवन खाली किया तो स्वाभाविक जैसा अमृत तैसी बिस्खाटी, जो मिला है छोड़ने के लिए मिला है, इसमें रोने की क्या जरूरत है, राष्ट्रपति भवन मिला रहने को, अवधि पूरी होगी तो छोड़ के चल रहे, काय को रोहे रेगन की नहीं। तो जिनको सत्संग है वे बहुत ऊंची स्थिति के हो जाते, और जिनको सत्संग नहीं है तो ऊंचे पद पे भी नीची स्थिति वाले रहते। राष्ट्रपति पद अमेरिका का ऊंचा तो है लेकिन मानसिकता तो नीची हो गई ना, और यहाँ बाहर से नीचे पद में भी रहते हैं, मानसिकता बहुत ऊंची है भारतवासियों की, बहुत लोगों की। जैसे मेरे गुरुजी की दादी माँ थी तो देहाती जीवन था, सादा सीधा जीवन, तो कोई बोले तो खांसती है बुढ़िया, तो मेरे गुरुजी नन्हे थे उनको गोद में लेके बोले देखो ये मेरे को शरीर समझते, मैं खांसती हूँ, मैं कभी नहीं खांसती, खांसता तो शरीर है, ये मेरे को तो पहचानती नहीं, हमें मेरती तो मेरी बुढ़ी हो गई खांसती है, न मैं बुढ़ी होती हूँ न खांसती हूँ, न मैं मारती हूँ न मैं जन्मती हूँ, मैं तो चेतन हूँ साक्षी हूँ, मन के विचारों को भी देखती हूँ, बुद्धि के निर्णयों को भी जानती हूँ, बचपन को भी मैंने देखा, बचपन चला गया, जवानी को भी मैंने देखा, बुढ़ापा भी देख रहे हूँ, शरीर भी छूट जाएगा फिर भी मैं आकाश की नाई ब्रह्म चैतन्य हूँ, तेरी माँ और दूसरी मेरे को पहचानती नहीं, मैं सदा नित्य हूँ, ये वह सब अनित्य है बेटा, तू भी ये ज्ञान पाना। ओ मेरे दादी माँ, गुरुजी की दादी माँ मेरे गुरुजी को बोलती थी, अब गुरुजी ने पा लिया और उनका प्रसाद मेरे तक पहुँचा और आप तक पहुँच रहा है, बोलो एक दादी माँ के कितना कृपा है। तो बाहर का जीवन तो बहुत सादा था मेरे गुरुजी की दादी माँ का, लेकिन ऊंचाई कितनी थी। और कई लोगों का बाहर का जीवन बड़ा ऊंचा, और जरा सा नौकर ने शक्कर कम डाली तो आग बबूले हो गए, जरा दूध ज़्यादा आ गया तो आग बबूले। एक बड़ा सेठ था, बड़ा ठाट माट से रहने वाला, चलो धर्मात्मा बन जाए, महात्मा को ले गए भोजन के लिए, भोजन परोसते परोसते सेठ ने खाया तो जरा सब्जी में नमक ज़्यादा, कड़ी खटास वाली, सेठ ने पछाड़ी थाली, हर गाली गलौज निकाल के आग बबूले हो गए। महात्मा भी उठ खड़े हुए, भाई तुम इतने दुखी तो मैं भोजन कैसे करूँगा। महात्मा चल दिए, सेठ ने कहा नहीं मैं आता हूँ। थोड़ी देर के बाद जरा गुस्सा कम हुआ, महात्मा के आश्रम में गया, बाबा आज का भोजन तो आप नहीं कर पाए, कल मेरे घर जरूर आना। महात्मा को उन्होंने रिझा लिया,
हर रसोई ने बड़ा इत्मीनान से खबरदारी से भोजन बनाया। महाराज कड़ी खट्टी नहीं, सब्जी में नमक ज़्यादा नहीं, रोटी में बराबर घी और भी जो वैरायटियां थी बराबर, एक चखा दूसरा चखा तीसरा चखा। है रामू इधर आ महाराज इधर आ। अरे आज कैसे तेरी अक्कल खुल गई, कल इतनी खट्टी कढ़ी बनाई थी और आज बढ़िया। कल सब्जी में इसमें नमक ज्यादा था उसमें मिर्च आज। अरे बेवकूफ सेठ फिर आग बबूला हुआ कि तू इतनी बढ़िया रसोई बनाकर जानता था तो कल मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई, मेरा नाक काट दिया। वो दुखी हो गए जब खट्टी में खड़ी थी तब भी दुख, और खटास नहीं है तो आज बढ़िया बनाई कल क्यों घटिया बनाई उसको याद करके परेशान हो। तो दिखते तो बड़े बड़े लोग हैं लेकिन बहुत छोटों से भी छोटे हो जाते। अरे भाई संसार है, बहता पानी है, चलते चलो, कभी ये हुआ कभी वो हुआ, किस किस को पकड़ोगे कल की बात आज की बात, चलते चलो चलते चलो। वे लोग बड़े आत्मा होते, महान आत्मा होते, जो अल्प बातों में अल्प चीजों में सतबुद्धि करके रुक जाते वो अल्प आत्मा होते, जो विकारों में रुक जाते तुच्छता में वो तुच्छ आत्मा हो जाते, जो द्वेष में रुक जाते द्वेष आत्मा हो जाते। लेकिन जो महान तत्व में रमते हैं फिर रास्ते में चाहे गरीबी अमीरी सुविधा असुविधा यश अपयश चलते जाते हो महात्मा। चलते पैरों से नहीं चलते, भाव से अपने आप में ब्रह्म में रहते, किसी परिस्थिति में नहीं रुकते। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश। गुरु पूर्णिमा पूरी हुई और रात को डकैत आ गए, बाबा कहाँ है माल, नहीं तो हो जाएंगे उधर पहुंचने वाले हाल। बाबा ने कहा इसे डराओ मत, ये लो कुर्ता उतार दिया लंगोटी रही, ए माल तो दियो, फल नारियल ये सब पड़ा है, कुछ चिल्लर विल्लर छोड़ के गए होंगे, बाकी तो पैसे समिति वाले घर पे ले गए, हम इधर रखते नहीं, और फिर भी कुछ है तो तू ले लो। अपन तो ये चले, चांदनी रात थी, बाबा चले गए टिल्ले पर तकधीनाधीन, फिर भी नफे में, क्या तेरा और क्या मेरा, धमधमाधम नफे में बाबा अपनी कल्पना अपनी ढपली अपना राग अपना त्रास मिलाते हुए जोड़ते गए। ओ डकैतों का मुखिया ने देखा कहीं पुलिस में तो नहीं गए कि समिति वालों को तो नहीं बुलाने गए, समिति वाला शब्द मैंने मिलाया, भक्त होंगे, समिति शब्द मैंने अपना रख दिया, तो कहीं अपने भक्तों के पास तो नहीं गए, तो देखा तो इतने नाच रहे हैं फिर भी नफे में, कितना भी छीन लिया फिर भी नफे में, अपना क्या खजाना है, हर रोज मुबारकबाजी है आनंद। बोले बाबा क्या इस इधर नफा है क्या, इधर गाड़ के रखते हो क्या? बोले यहाँ भी खोद ले कहाँ मना है, चलो तो हम उधर ही नफे में नाचेंगे। तो बोले बाबा आप नफे में तो कहाँ है माल? बोले माल तो यही है, देखो आए थे तो एकदम नंगे आए थे, लंगोटी तो तुम भी नहीं छीनते हो, नफा है कि नहीं बोलो, इतना खाया पिया वो भी नफा, इतना ज्ञान मिला वो भी नफा, इतने भक्तों ने सम्मान किया वो भी नफा, और दुख भी आया तो सावधान किया वो भी नफा, सुख भी आया तो उदार किया वो भी नफा, सब नफा ही नफा है, वाह फिर भी नफे में धमधमाधम नफे में आए में। ओ तो डकैतों का अगवा ठगा सा रह गया कि लंगोटी में भी खुश रह सकते, और हम इतना लूट डकैत करते तो भी चेहरे पे 12:30 बजे जाते रहे, रखा हथियार बाबा हमको अपना चेला बना दीजिए। और दूसरे डकैतों को बोला छोड़ दो छोड़ दो, वो डकैत भी चेले हो गए। ज्ञानी की क्या आप महिमा करो, एक नज़र पड़ जाए एक मीठी बात कह दे आदमी बिन शर्ती शरणागत हो जाते, वैसा महापुरुष होता है।
हे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की महिमा कौन जाने, उसी ऐसे ब्रह्मज्ञानी को, हे बाबा हे लंगोटिया हे नंगे, ऐसा करके तुम्हारे मुजफ्फरनगर के इलाके के लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे। मुजफ्फरनगर नाम सुना है, हरिद्वार जाते आता है, शुक्रताल के तरफ जा रहे थे, हे हे बाबा हे लंगोटिया हे वो, और कोई कोई तो मजाक करे, पत्थर कंकड़ मारे। आज जब परीक्षत के पास पहुंचे तो उठ के खड़े हो गए परीक्षत, सोने की कठौती में उनके हाथ पैर धुलाए, अर्घ्यपाद से पूजन किया, आरती की आज्ञा हो तो सवाल पूछो पूछो। मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए और मृत्यु नजीक हो तो क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा जीवन काल में भगवान क्या है वो ज्ञान पा लेना चाहिए और उसकी निर्मल कीर्ति गाना चाहिए और मृत्यु समय उसी में विश्रांति पा लेना चाहिए। तस्मात् सर्व आत्मना राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य सुमृतव्यो भगवन् नाम। ये भागवत में सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया। नारायण 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 नारायण। मनुष्य को जीवन काल में भगवत स्वभाव का ज्ञान पा लेना चाहिए। भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे मिलते हैं, क्या उनकी लीला है, क्या उनकी महिमा है। अगर भगवान का ज्ञान नहीं होगा, भगवान के गुणगान नहीं होंगे, तो शत्रु का चिंतन होगा तो द्वेष पैदा होगा, मित्र का चिंतन होगा तो राग पैदा होगा, काम का चिंतन होगा तो काम पैदा होगा, लोभ का चिंतन होगा तो लोभ पैदा होगा, मारे जाएंगे। भगवान के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो बापूजी आप भी तो रोते हैं। अरे हम रोते ही नहीं कभी। तो बाबा उस दिन रोए, कभी कभी सत्संग में भाव में रोते, कभी आंसू। अरे वो रोना नहीं है, वो तो भाव है, या तो भगवत भाव है अथवा किसी की पीड़ा देखकर हृदय भर गया। वो हृदय भर जाना रोना नहीं होता, मूर्खता से जो दुखी होकर रोते हैं वो रोना होता है, सद्भाव से जो भर जाते वो रोना थोड़े होता है। वे तो किसी भाव है, भाव के मोती होते हैं। रोने से काम नहीं चलेगा। अरे मूर्ख, तेरा बाप कभी रोता ही नहीं है, रोने से काम नहीं चलेगा। रोना धोना कहाँ रहा, जब गुरुदेव की कृपा प्रसादी मिली तो तस्य तुलना के न जायते, उसकी तुलना कैसे करोगे। खिन्नो अपि न खिद्यते, वो खिन्न होता दिखता है फिर भी खिन्न नहीं। रुष्टो अपि न रुष्यते, उठत बैठत वही उठाने कत कभी रमोसी ठिकाने। मैं तो आश्चर्य करता हूं कि हमने कितना कितना पापड़ वेला, तभी हमको कहीं बापूजी के चरणों में ऐसा सत्संग मिलता था। और दिल्ली वालों ने क्या तपस्या किया है, क्या बिल्लियां दान किए हैं, कि हाथी घोड़े दान किए हैं, कि आलू सब्जी दान किया, क्या दान किया। ऐसा चतुर्मास में ऐसा सत्संग, घंटों भर इधर बैठने को रहने को, और फिर हमको तो सेवा की जिम्मेदारी भी थी, आश्रम की सेवा की जिम्मेदारी, वो सब नियम वियम करते थे, जिम्मेदारी की सेवा भी करते थे, छोटी से छोटी सेवा बड़ी से बड़ी। आपको कोई जिम्मेदारी की सेवा भी नहीं, आए गए सुना।
मैंने कई बार कहा है मेरे गुरुजी को, जो ये ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्रीति और विश्रांति पाने में जो श्रम या तपस्या करनी पड़ी उसका सौवां हिस्सा मुझे नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी मुझे जो करना पड़ा उसका हजारवां हिस्सा भी आपको नहीं करना पड़ता और माल मुफ्त में मिल रहा है। तो कभी कभी मुफ्त में चीज मिलती ना उसकी कदर नहीं होती, तो आप इसकी कदर करना। इन विचारों को पकड़ोगे तो सारे तीर्थ हो गए, खाली लग जाओ बस। एक घंटा हो गया इधर, जो कभी साथ ना निभाए उसका नाम शरीर है, संसार है। ये ऐसा है, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, उसने साथ छोड़ दिया, ये तो ऐसे ही है। साथ न निभाए उसका नाम संसार, साथ न छोड़े उसका नाम आत्मा परमात्मा। मरने के बाद भी अपने आप को छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, वही आत्मदेव है। मैं तुझे नहीं जानता हूँ, लेकिन तू तो मुझे जानता नहीं प्रभु। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, तुम्हारी निर्मल कीर्ति को ना भूलूं प्रभु। मैं धर्म से गद्दारी ना करूं, गुरु से गद्दारी ना करूं, अपने आप से गद्दारी ना करूं। अंतरात्मा कुछ कहता और फिर अपन कुछ करते तो गद्दारी, कुछ बोल गए तो मैंने कहा ना ये मैंने मिलाया है, अंदर खटका तो ये फिर गद्दारी है। खटका तो भी दबाओ तो अंतकरण मलिन होता। अपने अपने प्रति सच्चे रहो, अपने को तो न झुठलाओ। झूठ कपट मनुष्य को एकदम नीचा कर देता है, सच्चाई बहुत ऊंचा ले जाती। वेदांत में दो विभाग होते हैं, एक प्रक्रिया विभाग, दूसरा सिद्धांत विभाग। विचार चंद्रोदय, विचार सागर, पंचदशी, विचार प्रभाकर, ये सब प्रक्रिया ग्रंथ हैं। और योग वशिष्ठ घटना बताकर सिद्धांत की बात जागृत करता है कि लीलावती थी, उसको अपने पति के साथ बड़ा स्नेह था, वन में विचरण करते, श्लोक बनाती और प्रश्न करती और राजा पद्म उसको उत्तर देते। इस प्रकार उनका संयमी और शास्त्र सम्मत दिन ऐसे बीते मानो पलकें बीती। लीलावती को भय लगा कि हमारे पति हमसे कभी छूट ना जाए, इसलिए लीलावती ने माँ सरस्वती की आराधना की। अब कथा तो राजा रानी की है, लेकिन अब देखना सिद्धांत कैसे ले आते, और बहुत ज्ञान भरा हुआ है। 13 महीना दूध पर रही और सरस्वती की उपासना की और माँ सरस्वती प्रकट हुई। सरस्वती ने वरम ब्रुयात कहा, लीलावती ने कहा कि मातेश्वरी, अगर आप प्रसन्न हैं मेरी उपासना पर तो मुझे ये वरदान दीजिए कि हमारे पति मेरे से कभी बिछड़े नहीं। माँ सरस्वती ने कहा कि लीले, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है, आ गया सिद्धांत। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मिलन है वहाँ बिछड़न है। फिर भी तुमने मेरी उपासना किया है, अगर तेरा पति
का वियोग भी हो जाए तो तू मुझे याद करेगी तो मैं आऊंगी, तुझे तेरी रक्षा करूंगी, तुझे जब जब तू मुझे पुकारेगी प्रीति पूर्वक एकाग्र होकर। तो ये भी सिद्धांत आ गया कि देव को भगवान को पुकारना है तो एकाग्रता और प्रीति। आगे ना सिद्धांत की बात, हे राम जी। इस प्रकार काल चक्र चलता गया, 365 कड़े और 12 विशेष मास वाला काल चक्र घूमा। कुछ वर्षों के बाद राजा पदम पर पड़ोसी शत्रुओं ने धावा बोल दिया और घमासान युद्ध हुआ और राजा पदम और उसके खास मंत्री मर गए। लीलावती के पास शव लाया गया। जहां ज्यादा प्रीति होती है उसके वियोग में दुख भी उतना ही होता है, इसलिए संयोग से प्रीति वियोग के दुख की तैयारी। मिलने वाले किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से जितनी प्रीति और आसक्ति होगी उतना ही भविष्य में दुख होगा। इसलिए जो कभी ना बिछड़े उस परमेश्वर से प्रीति किए बिना संसार में किसी भी वस्तु से, मकान से, गहनों से, गांठों से, किसी से भी प्रीति की तो समझो तुम दुख के पौधे को सींच रहे हो। आ गया सिद्धांत। लीलावती को बहुत दुख हुआ। पद्य को औषध और घृत आदि विधिवत शब ज्यों का त्यों रहे ऐसा बनाकर ब्राह्मणों और वैद्यों की सलाह से रखा और मां सरस्वती को पुकारा। लेकिन मृतक शरीर कब तक रहे, आखिर इसको जला दिया गया। किन सरस्वती की आराधना चालू रखी और मां सरस्वती प्रकट हुई। लीले फुट फुट कर रोने लगी, मां के संकेत से शांत हुई और अपने पति के वियोग का दुख सुनाने लगी। तब मां सरस्वती ने लीला को कहा कि चल मैं तुझे तेरे पति से मिला देती हूँ। आंखों पे हाथ रखा और मां ने संकल्प शक्ति से उसका अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर निकाला। आप ये जो दिख रहे हैं वो आप हैं ही नहीं। अगर आप ये होते तो इसके मरने के बाद ये तो यहीं पड़ा रह जाता और आप स्वर्ग में जाते। तो अंतवाहक शरीर, अंतवाहक शरीर में क्या होता है? 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर होता है। जब तक इस शरीर में है तो फलाना भाई शरीर से निकल गए तो उसे प्रेत कहते हैं। प्रेत के लिए कर्म किया जाता है। जब तक शरीर नहीं मिला तब तक वो घूमता है तो प्रेत है। फिर सात्विक प्रेत, राजस प्रेत, तामस प्रेत, ज़्यादा बदमाश हो तो ऐसा फिर प्रेत होने के बाद दूसरों को सताए। राजसी प्रेत होते हैं या सात्विक हो तो पीपल आदि अच्छी जगह पे रहते हैं। तामसी प्रेत होते तो उपद्रव वाले प्राम काम करते। तो सूक्ष्म शरीर लीलावती का लेकर सरस्वती जी आगे निकले और वो पीछे चलता गया। हजारों योजन, एक योजन में 24 कोस, 48 माइल, 96, 76, 72, 78 जो भी होता हो किलोमीटर, एक योजन में समझ लो लगभग 80 किलोमीटर। तो ऐसे हजारों योजन ऊपर जाने के बाद ग्रह नक्षत्र चंद्रलोक और सूर्यलोक को लांघते हुए ये मंगल ग्रह और इन ग्रहों को लांघते हुए इस ब्रह्मांड को चीर कर दूसरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। साइंस नहीं जाएगी वहां।
और जैसे ये सृष्टि ऐसी दूसरे ब्रह्मांड की सृष्टि में विचरण करते हुए उसी जगह पर लीलावती ले गई सरस, लीलावती को ले गई सरस्वती जी, जहाँ लीलावती को सुमरण आया कि ये मेरे बच्चे हैं और ये तुलसी का पौधा मैंने बोया था, ये प्रांगण में लीपती थी और ये मेरा घर था और मेरे पति का नाम यहाँ वशिष्ठ मुनि था और मेरा नाम अरुंधति था। राम के गुरु वशिष्ठ नहीं, जैसे एक ही नाम के कई लोग होते हैं, मोहन जी तो एक ही मोहन जी नहीं होगा, हिंदुस्तान में मोहन भाई कई होते हैं, कमला एक नहीं होगी, दिल्ली में कई कमलाएं होती, ऐसे ही वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति के रूप में हम रहते थे। ये मेरे बच्चे हमारे लिए रो रहे हैं, अभी यहाँ बारवां ही नहीं हुआ, पातक ही उतरा नहीं है और वहाँ मैंने वर्षों की कतार भोगी, माँ ये मैं क्या देखती हूँ। बोले अब अपन इनको देखते हैं, ये अपने को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अपने अंतवाहक शरीर से अपन संकल्प करें कि ये हमको देखे और अंतवाहक शरीर अंतवाहक से करें तब इनको अपन दिखेंगे। एक बार राजा की सवारी जा रही थी और तुम्हारे मन में हुआ कि हम राज्य सुख भोगे, तो तुम दोनों की मृत्यु हुई, वो राजा पद्म हुआ वशिष्ठ ब्राह्मण और तू अरुंधवती लीलावती हुई, अब चल तुझे तेरे पति से मिलाती। तो उसका पति देखे तो राजकाट कर रहा है, वो मंत्री टहलवे, बोलिए मैं क्या देखती हूँ कि जैसी चित्त की संवित होती है मरने के बाद वो उस आकृति वाला जिसे प्रेत कह दो वो अपने अपने भावना के अनुसार वहाँ भी राजपाट ये वो सब करते रहते, जैसे सपने में तुम बन जाते हो ना सेठ शाहूकार ये वो, ऐसे मरने के बाद भी जीव की जैसी जैसी भावना वासना होती है। तो मानो मेरे पति नहीं है, मरकर उनके सब साथी टहलवे यहाँ भी राज कर रहे। बोले लीला इसी का नाम माया है, उस चैतन्य परमात्मा तत्व को न जानने से, उस चैतन्य की सत्ता से मन में जैसा जैसा जब जब जहाँ जहाँ फूटता है वैसा वैसा जगत दिखता है, बना कुछ भी नहीं, जैसे सपने में बना कुछ नहीं और सब दिखता है और मिट जाता है, ऐसे ये जागृत जगत भी बन बन के मिट जाता है, लेकिन मिटने के बाद भी जो अमिट है वो परमात्मा सार है, लीले वही परम पुरुष है, वही परम पति है, उसी में विश्रांति पा। आगे सिद्धांत की बात, बहुत ऊंचा ग्रंथ है योग वशिष्ठ, बार बार पढ़े और नीच कर्मों का त्याग कर दे और ओमकार का जप करे और सद्गुरुओं का कृपा ले, साक्षात्कार पक्का पक्का पक्का। योग वशिष्ठ महारामायण ये ग्रंथ ऐसा है, ये तो मैंने एकदम ऊपर ऊपर से बताया, लीलावती और राजा पद्म और माँ सरस्वती का संवाद पढ़ने बैठो तो एक डेढ़ घंटा उसका विस्तार से आप समझ सकते। ऐसे ही दूसरे कई प्रसंग तो सिद्धांत में लाकर आपके मन को ठहरा देंगे, इसलिए जो जगत देखते देखते बीत रहा है तो बीते हुए को याद करके शोक मनाना, आने वाले का भय करके भयभीत होना, ये साधारण व्यक्तियों का स्वभाव होता है। जो तुम्हारे सरीखे राम जी, तुम्हारे सरीखे जो हैं वो बीते हुए का शोक नहीं करते और आने वाले का भय नहीं करते, वर्तमान में यथा योग्य व्यवहार करते हैं लेकिन कर्तृत्व के बोझ से रहित होते, न चाहने पर भी सुख आता है यश आता है, ऐसे न चाहने पर भी दुख या अपयश या रोग, ये सब प्रारब्ध और प्रकृति के प्रवाह में आता रहता है। मूढ़ मनुष्य इसमें सतबुद्धि करके या तो इतरा जाते या तो घबरा जाते, लेकिन ज्ञानवान न अहंकार करके इतराते हैं न परिस्थितियों से डर कर घबरा जाते हैं, प्रतीत प्रवाह में यथा योग्य करते। तुम सदा ज्ञान की दृष्टि लो, हे राम जी सूरमा होकर युद्ध करो,
लेकिन अंदर से शिला किनाई रहो, लेते देते खाते रहो, हम मना नहीं करते, लेकिन अहंता मत करो, लेने देने खाने करने कराने की अहंता मत करो। जो जो जिसमें अहंता करता है और ममता करता है उसी में फंसता है। तो अहंता करनी हो तो अपने वास्तविक शुद्ध आत्मा में करो कि मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, अथवा अहंता करो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं फलाना हूँ और फलानी वस्तु मेरी है, ये अहंकार है, ये जीव को दुख देता है। लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये प्रेमा भक्ति को, और वास्तविक मैं क्या हूँ और भगवान क्या है उसको खोजे तो ये ब्रह्म ज्ञान हुआ। भगवान के निमित्त दूसरों की यथा योग्य शास्त्र सम्मत सेवा करे अपने बल के अनुसार, ये कर्म योग हो गया। कर्म योग से अपने आत्मदेव को जान लो, भक्ति योग से अपने आत्मदेव को जान लो, अथवा ज्ञान योग से जान लो, अथवा तीनों साधन थोड़े थोड़े करके सत्पुरुष की कृपा से जान लो, अथवा ये तीनों साधन नहीं है लेकिन कोई ज्ञानवान है, गीता में आता है, और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार उनमें श्रद्धा भक्ति करके उस आत्मदेव की यात्रा करो तो भी ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान पालो। दुनवी ज्ञान तो पेट भरने तक का है, और कितना भी पेट भरने के साधन हो, हृदय को भगवत रस से नहीं भरा, भगवत ज्ञान से नहीं भरा, भगवत शांति से नहीं भरा तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। पेट तो कीट पतंग भी पाल रहे हैं, कुत्ते और घोड़े, गधे और मेंढक और चूहे, गिलहरियाँ भी पेट भर लेती और बच्चे कर लेती, ये कोई बड़ी बात नहीं। अपने जीवन को ऐसा संवारो कि किसी भी परिस्थिति का प्रभाव चित्त में ना पड़े और चैतन्य स्फुराता रहे, उसकी सत्यता दिखती रहे। मरने से डरो नहीं, किसी को डराओ नहीं, आप भी ज्ञान बढ़ाओ और दूसरों का भी ज्ञान बढ़ाए, आप भी प्रसन्न रहो, सुखी रहो, दूसरों को भी सुख दो, ये आपका असली स्वभाव है। मरने से डरना डराना ये नकली स्वभाव है, नकली शरीर को मैं मानकर डरना डराना होता है, नकली शरीर में जड़ता होती है, नकली शरीर में दुख है। कितना भी खिलाओ पिलाओ घुमाओ फिर भी कभी न कभी कोई न कोई खांसी दम्मा बीमारी ये वो, अंत में जलाओ और मरो, तो ये तुम्हारा असली स्वभाव नहीं है। असली स्वभाव तुम्हारा सत्य है, असली स्वभाव तुम्हारा चेतन है, असली स्वभाव तुम्हारा आनंद है। तो अपने स्वभाव में स्थित होकर यथा योग्य कर्म करो। अपने शुद्ध स्वभाव में नकली व्यवहार को महत्व न दो। जैसे रंगमंच पर कोई नाटक करता है, हरिश्चंद्र बनता है और थोड़ी देर के बाद चपरासी बनकर आता है, फिर जाकर वेश बदल कर तीसरा पार्ट अदा करता है, तभी भी उसको पता है कि मैं वही हूँ। इस प्रकार प्रारब्ध वेग से जो कर्म आ जाए, पत्नी के आगे पति, पिता के आगे पुत्र, गुरु के आगे शिष्य, शिष्य के आगे गुरु का व्यवहार करो, लेकिन अंदर से जानो कि यह सब माया मात्र है, ये मात्र संसार का एक खिलवाड़ मात्र है, सत्चित आनंद स्वरूप परमात्मा मेरा ज्यों का त्यों है। ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम ओम। तम नमामि हरिम परम, जो परम पुरुष है, जो पाप ताप और अज्ञानता हर लेता है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। तम नमामि हरिम परम। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई और उसमें भी आखिरी सिद्धांत की बात कहते हुए सिर पर हाथ रख दिया कि राजन, तुम्हारे आगे जो मैंने इतिहास के और इन सूर्य वीर राजाओं की और रासलीला, हास्य रस, विचार रस, भक्ति रस,
ये सब जो चर्चाएं की, ये सब तुम्हारे मन रूपी पक्षी को शब्दों के जाल में फंसाने के लिए। सार बात यही है कि तुम इस दुर्मति का त्याग करो कि ये शरीर मैं हूँ और मैं मर जाऊँगा। तुम शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहोगे, लेकिन तुम चैतन्य हो। अहम ब्रह्म परम धामम, ये भागवत में आता है। सिर पर हाथ रखा, तुम ये निर्णय करो, अहम ब्रह्म परम धामम परमानंदम परम पदम, मैं ही आत्मा ब्रह्म हूँ। यहाँ जो चम चम चमक रहा है, स्फुरा रहा है चैतन्य, वही सबके हृदय में और सारे ब्रह्मांड में व्याप रहा है। अहम ब्रह्म परम धामम परमानंद परम पदम, परम पद में ही हूँ। मरने वाला शरीर अथवा बदलने वाला मन या बुद्धि में नहीं हूँ, मैं उसको जानने वाला। इस प्रकार अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ, तुम्हारा मंगल हो पुत्र। और परीक्षित का अज्ञान मिट गया। सात्विक जीवन पहले ही था, फिर मौत सामने है, 7 दिन में तो मरना है। 7 दिन तक उस महाबुद्धिमान राजा परीक्षित ने अन्न जल का त्याग कर दिया और कथा सुने और उसी विचार में पड़ा रहे। तो ज्ञान निष्ठा तो होनी है, 7 दिन के अंदर साक्षात्कार हो, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहना शेष। भगवान के दर्शन हो जाए फिर भी साक्षात्कार करना बाकी रह जाता है, और साक्षात्कार कर लिया तो भगवान जी के दर्शन की भगवान को तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं। भगवान जैसे भगवान है वो साक्षात सच्चिदानंद में टिके। माधुर्य ओम ओम सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है अकाल पुरुष वही शिव है कल्याण स्वरूप, और उसी का सौंदर्य विश्व में व्याप रहा है। ये फूलों का आकर्षण और सौंदर्य किसकी सत्ता से? सत्यम शिवम सुंदरम, इस ढांचे में जो ज्ञान है, प्रेम है, समझ है, खुशी है, वो कहाँ से है? सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ जहाँ विशेषता दिखे वहाँ उसी का निखार है। जो भी सुखद है, प्यारा है, सत्य है। बोले कुछ लोग तो बोलते हैं कि परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है और संसार झूठा है, मिथ्या है। और कुछ लोग बोलते संसार सत्य है, तो कौन सी बात माननी चाहिए? दोनों बात सही है। जो बोलते हैं संसार सत्य है उनके लिए संसार सत्य है, और जो बोलते हैं संसार मिथ्या है या झूठा है, आत्मा परमात्मा सत्य है, उनके लिए आत्मा परमात्मा सत्य है, संसार झूठा है। तो झूठे सुखों में आकर्षित मत हो, झूठे दुखों में बहो मत, झूठे आकर्षणों में रहो नहीं, अपने सत स्वभाव में आते आते आत्मज्ञान में आ गए। लेकिन फिर वो झूठा संसार आत्मा में सत में आ गए। सत में आ जाओगे तो फिर पता चलेगा कि तत्व रूप से सब सत ही सत है। वो तो पैदा होता है, दिखता है, बदलता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। जैसे ये फूल है, दिखे हैं, तुमको लगेगा नष्ट हो गए, लेकिन इसके कण जहाँ से आए वहाँ चले जाएंगे। जल जली अंश में जाएगा, गंध गंध अंश में जाएंगे। तो इस प्रकार कोई चीज़ नष्ट नहीं होती। बालू का एक दाना भी नष्ट नहीं कर सकते, उसको पाउडर बनाकर आंखों से उजल कर सकते हैं, लेकिन वातावरण में रहेगा। ये उसकी सत्ता है, उसके घनीभूत में चेतनता भी छुपी है, आनंद भी छुपा है। तो ज्ञान होने के बाद सारा जगत सत स्वरूप मान लो,
अथवा ब्रह्म रूप मान लो, अथवा जगत परिवर्तित होता है सपना है, तो अपने को व्याप्त ब्रह्म के रूप में देख लो। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब नीचे के भाव में रह जाते हैं, आप ब्रह्म भाव में आ गए। जैसे हेलीकॉप्टर उड़ा तो अब यहाँ से अपन जाए तो बाय रोड जाना हो तो गली गलियारे ये वो सड़क से ही जाना पड़ेगा, लेकिन हेलीकॉप्टर को गलियों की सड़कें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ऊपर से चला जाएगा। किसी के दुकान की छत हो, किसी के कोठी की छत हो, चाहे सड़क का गटर हो, चाहे सड़क खुद हो, कोई उसके ऊपर लागू नहीं पड़ेगा आरटीओ का नियम, धरती के आरटीओ नियम। ऐसे ही आप अपने सत स्वभाव में आ गए तो प्रकृति जनित पुण्य पाप सुख दुख जन्म मरण नहीं लगेगा। मुक्त आत्मा हो जाओगे, महान आत्मा हो जाएगी, तृप्त आत्मा हो जाओगे।